Good morning, students. Today we will start with our first chapter, The Fun They Had. Before we read, we just look at certain important things that this chapter intends to deliver to us. Before you read, the story we shall read is set in the future. So, jo backdrop hoga, jo time chal raha hai, wo future ka hai. When books and schools as we now know them, जैसे हम आज उन्हें जानते हैं कि जो स्कूल है वहाँ पर स्टूडेंट्स के तौर पर हमें पढ़ना पड़ता है और होमवर्क मिलता है, बुक्स के थ्रू हम बाद में एग्ज़ाम्स देते हैं. सो ये वाला जो एक परसेप्शन है विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. ये वाली चीज़ इस वाले टाइम में जो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? सब लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर बुक्स नहीं होंगी, स्कूल्स नहीं होंगे, तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? मतलब सिर्फ मस्ती मस्ती? पर ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो कहीं ना कहीं तरीके से तो होगी. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. सो जो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर होंगे वो कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर आएंगे, हम जल्दी से पहले वो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न थ्रू द कंप्यूटर्स. क्योंकि बुक्स नहीं है, टेक्स्ट बुक्स नहीं होंगे, पेपर नहीं होगा, तो कंप्यूटर्स के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे. नेक्स्ट वी हैव, अगर हमारे पास एक ह्यूमन टीचर नहीं है तो हमारे पास एक रोबोटिक टीचर होगा. ठीक है, आगे चलिए. देन क्लासरूम जो है, अगर स्कूल वाला क्लासरूम नहीं होगा तो एक वर्चुअल क्लासरूम होगा जो कि आपके रूम्स में कंप्यूटर के ऊपर होगा, जहाँ पर आप सिंगल बैठकर ही पढ़ेंगे और आप अपने आप में ही एक क्लासरूम है. उसके बाद है जो टेक्स्ट होगा वो आप मूव कर सकते हैं, सो इट विल बी ई टेक्स्ट. ठीक है, वहाँ पर पेपर्स वगैरह नहीं है तो जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, जो वर्ड्स होंगे, जो सेंटेंसेस होंगे वो मूवेबल होंगे, वहाँ पर वो मूव कर पाएंगे और आपको वो जिंगल करते हुए दिखाई देंगे. जैसे हम लोग अगर कोई बुक पढ़ते हैं तो हम पेजेस को टर्न करते हैं, और अगर हम फॉर एग्जांपल 157 पेज नंबर पे हैं और एकदम से टीचर ने कहा गो बैक टू पेज नंबर 86, तो हम टर्न करते हुए वापस आते हैं और हम फाइनली 86 पेज नंबर पे पहुंचते हैं. पर यहाँ पर वो प्लेजर ऑफ रीडिंग द एग्जैक्ट और द एक्चुअल बुक वो मिसिंग है. ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं. हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन? टेलीविजन और अ कंप्यूटर स्क्रीन, क्या हमने कभी भी ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हो या टेलीविजन वाली स्क्रीन पर हो? यस, जब भी हम होमवर्क वगैरह आजकल करते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर्स की ही हेल्प लेते हैं, है कि नहीं? उसके बाद कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या हम सब ऐसा इमेजिन कर सकते हैं टाइम जहाँ पर सारी जो बुक्स हैं वो कंप्यूटर्स के ऊपर ही हो? मतलब कितना मज़ा आ जाएगा हमें एनसीईआरटीज वाली बोरिंग ब्लैक एंड वाइट की दुनिया से निकलकर कलरफुल दुनिया में आने का मौका मिल रहा है ना. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी जो कि पेपर के ऊपर प्रिंट की जाए. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? अब हमसे अगर अभी पूछेंगे तो हमारे बच्चे तो बड़े खुश हो जाएंगे कि ओ मैम, हम ब्लैक एंड वाइट दुनिया से कलर्ड दुनिया में आ रहे हैं, तो हमें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, हमारी बुक्स को जल्दी से डिलीट कर दो हमारी लाइफ से और वापस से रिसाइकल बिन में डाल दो. लेकिन हमारे पास अगर कंप्यूटर्स होंगे तो हम बहुत मस्ती कर पाएंगे. पर क्या बच्चे मस्ती सीरियसली कर पाते हैं? या हमारा जो एक्चुअल क्लासरूम होता है वहाँ पर जो प्लेजर्स होते हैं वो मिस करेंगे? चलिए अब हम जल्दी से चैप्टर की तरफ चलते हैं. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. अपनी डायरी में मार्गी ने कुछ लिखा है, एंड हम डायरी में हमेशा ऊपर टॉप पर डेट लिखते हैं. फॉर्मेट में हमने पढ़ा है ऑन द डेट हेडेड 17th May 2157. सो दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली इन द फ्यूचर. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. रियल बुक मीन्स जो आप लोगों के पास है इस समय, जिससे आप पढ़ रहे हैं, जिसमें पेपर्स हैं, पेजेस हैं, और रियल एक्चुअल वाली बुक है. तो टॉमी को पुराने ज़माने की एक, मतलब हमारे ज़माने की रियल बुक मिली है. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, बड़ी ही पुरानी सी किताब है. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज़ अ लिटिल बॉय. मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे बताया कि जब बहुत टाइम पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब मैं छोटा सा बच्चा था,
his grandfather told him, उनके भी grandfather ने उनको बताया that there was a time when all stories were printed on paper. उस समय एक ऐसा time भी था जब सब stories जो थी वो कहाँ पर आती थी, paper के ऊपर, the way we are studying it now. They turned the pages, उसे turn कर पाते थे. और जब मार्गी और टॉमी ने मिलकर उन पेजेस को टर्न किया, विच वर येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली तब होता है बच्चों जब हम बहुत पुरानी कोई किताब पढ़े तो उसकी जो पेपर्स हैं दे आर समवेयर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग टियरिंग अप और टोर अप. वो वाली जो चीज़ है वो क्रिंकली होती है, तो उसके ऊपर इतनी लाइंस डल जाती हैं, इतना उसका बुरी हालत हो जाती है कि वो पढ़ने लायक पोजिशन में होती नहीं है. एंड येलो ड्यू टू एज, ईयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं. एंड इट वॉज ऑफुली फनी, बड़ा ही अजीब सा, ये तो फनी सा मोमेंट है टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, जो कि हिलते ही नहीं है. वो तो अपने पोजिशन पे ऐसे जमे हुए हैं जैसे अंगद का पैर. तो उसी तरीके से जब उन्होंने देखा कि जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल स्टूड स्टिल हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, तो उन्हें बड़ा फनी लगा. उन्हें फनी क्यों लगा बच्चों? क्योंकि वो किस चीज़ के हैबिट से है, उनको आदत है कंप्यूटर्स पे पढ़ने की, जहाँ पर वर्ड्स सेंटेंसेस मूव करते हैं. और जब भी हम अपने एक हैबिट से बाहर कुछ समझते हैं या देखते हैं तो हमको वो इतना फनी लगता है कि ओ ये क्या है, ये तो बकवास है, ये तो हमारे टाइप की चीज़ नहीं है. तो हमें वो चीज़ फनी लगती है जो हमारी समझ से परे हो. तो वहाँ पर जब वर्ड्स हिल नहीं रहे हैं, स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, क्योंकि उनके हिसाब से वर्ड्स क्या करते हैं, हमेशा स्क्रीन के ऊपर हिलते रहते हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पेज को टर्न करके वापस जाते हैं, द वे आई टोल्ड यू मोमेंट अगो, जहां पर 150 पेज पर है और 86 पे जाना है, तो हम पेजेस को टर्न करके वापस जाएंगे. उसी तरीके से जब मागी और टॉमी पेजेस को टर्न करते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. वहाँ पर वर्ड्स डिटो वैसे के वैसे ही हैं. वो अपने नानी के घर गए ही नहीं, वो कहीं चलकर क्यों नहीं गए? क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर जब भी आप बैक या फॉरवर्ड करते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो टेक्निकल वर्ल्ड है. यहाँ पर वर्ड्स आपको हिलते हुए दिखाई नहीं देंगे. अगर आप पीछे या आगे के किसी भी पेज पर जाएंगे तो जो रियल बुक है उसके वर्ड्स हिलेंगे, मूवेबल नहीं होते हैं. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, वही वर्ड्स हैं वहां पर, तो वो तो कहीं नहीं गए. दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार उस बुक को पढ़ा, जहां पर वो वर्ड था वो अभी भी वहीं का वहीं है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. सेकेंड पार्ट, गी. गी इज अ काइंड ऑफ एन एक्सक्लेमेशन of joy, of happiness, ठीक है? Said Tommy, what a waste, मतलब ये क्या, ये तो मजाक है, ये तो बर्बाद कर रहा है हमारा टाइम. When you are through with the book, अगर आपने बुक को पढ़ लिया है, you have read it thoroughly, you just throw it away, फेंक दो किताब को, किताब की क्या जरूरत है? I guess, मेरे हिसाब से तो बुक की कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आपने उसको पढ़ लिया है, so after reading a book, we should throw it. According to Tommy, I'm not saying it. Our television screen must have had a million books on it. हमारी television screen के ऊपर तो बहुत सारी books का storage है, और उसमें और भी बहुत ज़्यादा plenty of space अभी भी बाकी है. अगर हम और रखना चाहें तो हम और भी रख सकते हैं. I wouldn't throw it away. और मैं तो कभी भी उन्हें फेंकने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है. पर ये वाली book तो एक तो single है, तो अगर हमने उसको पढ़ लिया है तो हमें उसको हटा देना चाहिए अपनी लाइफ से. सेम विद माइन, मार्गी ने कहा, मेरे साथ भी यही है, मेरा स्टोरेज भी काफ़ी है और अभी भी बहुत सफिशिएंट स्पेस है कि मैं उसमें और बुक्स भी डाल पाऊँ. शी वॉज 11, अंडरलाइन दिस, मार्गी वॉज 11 ईयर ओल्ड एंड हैडन सीन एंड एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड बिकॉज ही वॉज 13. सो दिस इज द एज ऑफ द टू चिल्ड्रेन. शी सेड, Where did you find it? ये वाली बुक तुमको कहाँ से मिली? In my house. हाँ, मेरे घर पर मिली है. He pointed without looking. He was totally neglecting the whole fact. ठीक है? Because he was busy reading. क्योंकि वो उसे read कर रहा है उस बुक को. In the attic. Attic is, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आपके घर में एक स्टोर रूम होता है ना, जिसमें हम एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स पिछले साल की होती है वो रख देते हैं, वही चीज attic होता है. What is it about? ये किस चीज़ के बारे में इन्होंने बुक लिखी है? स्कूल के बारे में.
हे भगवान, बच्चों को बोल रहे हैं कि बुक भी स्कूल के बारे में ही लिखी है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी को बड़ा इंसल्टेड फील हुआ, बड़ा बुरा सा लगा। स्कूल? व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में कौन लिखता है? बड़ा ही गंदा आदमी है जिसने भी ये स्कूल के बारे में लिखा है। आई हेट स्कूल। तो उसको इतनी ज्यादा नफरत है स्कूल से कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी स्कूल की बात भी करे, और कोई बुक लिखे वो तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर देन एवर। अंडरलाइन दिस, मार्गी को हमेशा से स्कूल से बड़ी ही नफरत है, लेकिन अब उसको और भी ज्यादा नफरत है। अब ऐसा क्यों? आगे वाले लाइंस में आपको इसका आंसर मिलेगा, जो कि आपका टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन एक बाद में आपको दिखेगा। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। मैकेनिकल टीचर, जो कंप्यूटर टीचर आती है उसको पढ़ाने के लिए कंप्यूटर के ऊपर, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही है ज्योग्राफी का। एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स। अब जो बच्चा है वो इतना कंसिस्टेंट है, इतना पक्का है कि मैं तो बुरे पे और बुरा करूंगा, कर लो मेरा जो करना है। तो इसी तरीके से मार्गी को जब वो टीचर ज्योग्राफी का टेस्ट पे टेस्ट दे रही है, तो मार्गी भी अपना पूरा जोर लगाकर बुरे पे बुरा कर रही है। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली। जब उसकी मदर बड़ी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि कंसिस्टेंट जब उसकी परफॉर्मेंस देखी जो बुरे पे बुरा करी जा रही है, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर इज द वन विच इज कॉल्ड आफ्टर यू कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम इन योर कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन डिवाइसेस। ठीक है, जब आपको कोई प्रॉब्लम आए और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर को ठीक करने वाला आज कोई पर्सन मंगाए, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर है। अब आगे देखिए, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब उसकी अपेयरेंस कैसी है? गोल सा और नाटा सा आदमी है, छोटा सा, विद अ रेड फेस, लाल रंग का उसका फेस है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। जैसे इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो अपनी पूरी बॉक्स लेकर आते हैं, उसी तरीके से ये पर्सन भी डायल्स, वायर्स, बहुत कुछ लेकर आया है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उन्होंने मार्गी को देखकर हंसा और उसको एक एप्पल दिया। जैसे एक बच्चे को हम खुश करने के लिए कुछ टॉफी दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, तो ही गेव हर एन एप्पल। देन टुक द टीचर अपार्ट। टीचर इज द वन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। जब भी बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है, जब टीचर एब्सेंट हो जाए या टीचर बहुत दिनों बाद आए और हमें पता हो कि हमारा टेस्ट लेना है अब, तो हम चाहते हैं कि टीचर जो है वो बिल्कुल याददाश्त उसकी ख़त्म हो जाए, टीचर भूल जाए कि उसको कुछ ऐसा टेस्ट भी लेना था। तो उसी तरीके से मार्गी भी यही होप कर रही है कि ये अंकल जो छोटे से लाल रंग का फेस वाले हैं, ये लेके तो गए हैं, लेकिन हे भगवान प्लीज़ हमारी प्रेयर सुन लो, इनसे ये बिल्कुल ठीक ना हो पाए। ये अपना पूरा जोर लगा लें, लेकिन कंप्यूटर मुझे अपने टेबल पर दोबारा नहीं चाहिए। बिकॉज ही शी वॉज फेड अप विद दैट कंप्यूटर टीचर। आप किसी सब्जेक्ट में बहुत बुरा करते हैं तो आपको उस पीरियड से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको मन नहीं करता है कि वो टीचर कभी आए। आप चाहते हैं टीचर जो है लॉन्ग एब्सेंट पर चली जाए, कहीं गायब हो जाए, मिस्टर इंडिया हो जाए। तो उसी तरीके से मार्गी भी चाहती है कि ये वाला जो टीचर वो ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर लेकर गए हैं, वो कभी भी उसको ठीक ना कर पाए। ठीक है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। लेकिन वो जो पर्सन है उसको तो आता है भाई ये सब कुछ ठीक करना। एक घंटे के बाद उन्होंने वापस से उस कंप्यूटर को रेडी कर दिया। देयर इट वॉज अगेन। ठीक है, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। बड़ा सा स्क्रीन खुल रही है ब्लैक कलर की और अगली। कोई सब्जेक्ट जो बिल्कुल पसंद ना हो वो कभी भी ब्यूटीफुल नहीं हो सकता बच्चों के लिए। सो दैट्स वाई शी कॉल्ड इट अगली। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। और बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर सारे लेसन्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही गुस्सा आ रहा है मार्गी को, हे भगवान ये मेरी कभी सुनते क्यों नहीं हो आप। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और उसके ऊपर क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट वॉजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड। और ये भी चीज़ उसको इतनी मुश्किल नहीं लगती है, ये पार्ट उसको ठीक लगता है, क्वेश्चन आंसर वाला। द पार्ट मार्गी हेटेड, अंडरलाइन दिस, सबसे ज्यादा हेट्रेड किस चीज से है उसको? मोस्ट वॉज द स्लॉट। एक स्लॉट है जहां पर आपको जैसे टेस्ट पेपर्स डालने होते हैं, जैसे कोई फोल्डर होता है ना इंसर्ट करने का, जहां पर आप कई बार
कोई इमेज या आपने देखा होगा आपकी फोटो या कोई सिग्नेचर भी अपलोड करने का ऑप्शन होता है, उसी तरीके से एक स्लॉट दिया है जहां पर बच्चे अपने होमवर्क को फीड करेंगे। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब बच्चों को जब भी ये बोला जाता है कि अपनी नोटबुक में टेस्ट वगैरह या होमवर्क सबमिट करो, तो उनको नानी दादी मौसी सब याद आ जाते हैं। कई बच्चे जो करके नहीं आए उनको तो और भी ज़्यादा डर लगता है। उसी तरीके से मार्गी को ये वाला स्लॉट सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जहाँ पर उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को पुट करना पड़ता है, मतलब फीड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। उसको एक पंच कोड मिलता है जहाँ पर उसको वो लिखना पड़ता है। दे मेड हर लर्न वेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड एंड द मकैनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। जब वो 6 साल की थी तब से वो ये चीज़ पढ़ रही है पंच कोड में, और उसके बाद मैकेनिकल टीचर उसको 1 मिनट की, ठीक है, सो पंच कोड के अंदर उसको वो चीज़ें लिखकर तब से वो दे रही है जब से वो 6 साल की थी, और जो कंप्यूटर टीचर है वो उसको कैलकुलेट करके उसको रिजल्ट बता देते हैं। ठीक है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। इंस्पेक्टर स्माइल करता है जब वो अपना काम खत्म कर चुका है, एंड पैटेड मार्गीज हेड। और जैसे हम बच्चों को सहलाते हैं उनका हेड, उसी तरीके से उसको एनकरेज करके जाता है कि बच्चे तुम बहुत अच्छा करो। ही सेड टू हर मदर, उसकी जो मार्गी की मदर है उसको काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें कोई बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर अ लिटिल टू क्विक। उसके लेवल के हिसाब से ज्योग्राफी लेसन जो था, जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो ज़्यादा ऊपर स्केल पर उसको इंक्रीज्ड मैनर में फिट किया गया था, तो इस वजह से बच्चा जो है वो उस लेवल का पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई UKG का बच्चा है और उसको आप 2nd क्लास का चैप्टर पढ़ने के लिए दे देंगे तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसी तरीके से मार्गी के साथ भी यही हुआ कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो और ज़्यादा हाई लेवल पर सेट किया गया था, जबकि जो लेवल होना चाहिए मार्गी का वो नहीं था। Those things happen sometime. कभी कभी हो जाता है, technical fault हो जाता है। I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने उसे 10 साल के एक बच्चे के average level पर set कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. अगर आप मार्गी का overall pattern देखें जो उसने progress किया, for example, आपका graph ऊपर की तरफ जाता है तो वो काफ़ी satisfactory है। And he patted मार्गी's head again. और दोबारा से उसने मार्गी के head को pat किया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी को इतना गुस्सा आ रहा है कि फिर से ये कंप्यूटर टीचर मेरे सामने रख दिया है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। बच्चे ने प्रे तो इस चीज का किया था कि दोबारा कभी भी टीचर को देखना ना पड़े और दोबारा टीचर कभी वापस ना आए। दे हैड टेकन वंस टॉमी इज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। टॉमी की भी टीचर, कंप्यूटर टीचर, जब पहले बीमार हुई थी, मतलब कि खराब हुई थी, तब उसको जब लेकर गए थे तो वो 1 मंथ तक वापस नहीं आई थी। मार्गी का भी कुछ ऐसा ही इरादा था कि हो सकता है मेरी वाली टीचर भी दोबारा अब कभी वापस ना आए या थोड़ी देर के बाद आए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। टॉमी की जो टीचर थी वो हिस्ट्री टीचर थी, और हिस्ट्री सेक्टर जब ब्लैंक हो गया था पूरा ब्लैक मैनर में, तो उस तरीके से उसको ठीक करने के लिए लेकर गए और 1 महीना लग गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। कोई पर्सन स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, इतना गंदा है ये स्कूल। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, क्योंकि जो भी हमसे बड़े होते हैं वो ऐसे दिखाते हैं जैसे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो इस दुनिया में कोई आया ही नहीं है, एंड यू आर वेरी इंफीरियर इन फ्रंट ऑफ अस। उसी तरीके से टॉमी भी मार्गी को देखकर बोलता है, बिकॉज इट इज नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे बेवकूफ लड़की, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। ये कैसा स्कूल है? दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। बहुत टाइम पहले की बात है कि उन लोगों के पास हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स ईयर्स। सो टॉमी बताता है कि जो ये वाला स्कूल है ये बहुत टाइम पहले वाले स्कूल्स हैं। He added loftily. Loftily is जब हम किसी को बहुत अपना superior manner दिखाना चाहते हैं तो हम बड़े बड़े words में जो है express करते हैं अपने ideas. Pronouncing the word carefully. Centuries ago. बहुत time पहले की बात है, stupid लड़की तुझे नहीं पता। Margie was hurt. Margie को बड़ा बुरा लगा कि ऐसे क्यों मुझसे बात कर रहा है ये Tommy. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. हाँ हाँ, मुझे नहीं पता किस तरीके के स्कूल्स में वो पुराने जमाने के लोग रहते थे।
She read the book over his shoulder for a while. थोड़ी देर तक उसने शोल्डर के ऊपर से, जैसे हम ऊपर से जंप करते हुए पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई पर्सन अगर हमसे बहुत टॉल होता है तो. देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर, और वैसे भी उन लोगों के पास तो टीचर थी. अब यहाँ पर देखिए आपके ये क्लाउड में बिल्कुल वैसा ही स्कूल है मार्गी की इमेजिनेशन में जैसा हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते हैं. बहुत सारे बच्चे बुक्स लेकर बैठे हैं, डेस्क के ऊपर बैठे हैं, और एक जो ह्यूमन टीचर है वो उनको पढ़ा रहा है. ठीक है, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, और वो ह्यूमन बींग है. श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ हाँ उनके पास तो कोई टीचर है, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. अब रेगुलर टीचर क्यों? क्योंकि इन बच्चों के हिसाब से रेगुलर टीचर तो कंप्यूटर टीचर होते हैं, वो टेक्निकल टीचर्स होते हैं, जो कि एक प्रॉपर टाइम पीरियड में आपको विजिबल होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और फिर उसके बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं. तो यहाँ पर वो बताता है कि वो रेगुलर टीचर नहीं है, इट वॉज अ मैन, वो तो एक ह्यूमन बींग है बेवकूफ. अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे बन सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो गर्ल्स और बॉयज को, सब स्टूडेंट्स को चीजें बता देते हैं. एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनको होमवर्क देते हैं और उसके बाद उनका टेस्ट लेने के लिए उनसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं. ये तरीका है. जस्ट अंडरलाइन दिस पोर्शन, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओल्ड स्कूल. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, लेकिन एक मैन के अंदर इतनी स्मार्टनेस कैसे आ गई, इतना थॉटफुल कैसे हो गया, इतना इंटेलिजेंट तो मैंने कभी कोई मैन नहीं देखा. श्योर ही इज, अरे बेवकूफ लड़की, होते हैं ऐसे इंटेलिजेंट आदमी भी. माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, मेरे फादर को भी उतना ही आता है जितना मेरे टीचर को. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, हाँ हाँ मेरे फादर को भी इतना ही आता है. आई बेचा, बेचा इज द स्लैंग वर्ड ऑफ बेट यू. जब हम बेट यू बोलते हैं तो हम उसको इनफॉर्मल वे में बेचा बोल देते हैं. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब उसका लड़ने का बिल्कुल मन नहीं है, आर्ग्यूमेंट का भी मन नहीं है. She said, I wouldn't want a strange teacher, a man, in my house to teach me. वैसे भी मुझे कोई ऐसा stranger नहीं चाहिए अपने घर में जो मुझे पढ़ाने के लिए आए, क्योंकि मुझे तो बड़ा डर लगता है stranger से. क्योंकि वो उस dispute को खत्म करना चाहती है. जब हमें पता लग जाता है कि हम किसी argument में हार रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी उस चीज को खत्म करने की तरफ जाते हैं. द सेम इज विद मार्गी. ठीक है, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी बहुत जोर से हंसा. यू डोंट नो मच, मार्गी तुमको तो पता ही नहीं है, इसीलिए तुम आर्ग्यूमेंट को खत्म करना चाह रही हो. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो हैं वो हाउस में नहीं रहती हैं, उनके पास अपना एक स्पेशल बिल्डिंग होता है. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और वहां पर सब बच्चे इकट्ठा होके आते हैं और पढ़ते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मार्गी बहुत ही क्यूरियस होके पूछती है कि किड्स जो हैं वो सब एक ही चीज पढ़ते हैं. श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज ग्रुप के हैं तो वो एक ही क्लास में होंगे और इसी तरीके से वो एक ही चीज पढ़ेंगे. मार्गी वॉज अमेज्ड. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, लेकिन मेरी मदर तो कहती है, मार्गी की मदर, कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है अपने वेज को, अपने मैनर को, अपनी टीचिंग को, ताकि हर एक बॉय और हर एक गर्ल जिस भी लेवल का हो उसके माइंड में वो घुसकर वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए. एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे का कैलिबर अलग होता है, उसकी इंटेलिजेंस अलग होती है, और इसी तरीके से हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. और इससे भी और अच्छा क्या है कि अगर आपको मन ना करे तो आप बुक मत पढ़ो. सो इट इज अप टू द स्टूडेंट कि वो चाहे तो आप पढ़ाई को बंद भी कर सकते हो. दे वर नॉट, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी ने जल्दी जल्दी कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रेड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, अब वो क्यूरियस और ज्यादा हो गई है और उसे उन फनी स्कूल्स के बारे में और जानना है. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी वो अपने रास्ते में ही थे, अभी आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है. When Margie's mother called, Margie, school, चलो मार्गी स्कूल जाना है. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद. नाउ मिसेस जोन्स ने ऑर्डर किया, नहीं अभी के अभी. एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी का भी टाइम हो गया है स्कूल जाने का. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मुझे दो ना ये वाली बुक, मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये वाली पढ़ सकती हूँ क्या? बहुत रिक्वेस्टिंग वे में वो बताती है.
Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly is not very serious, in a very casual manner. वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है सोचेंगे. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. अपनी आर्म के बीनीथ, मतलब जैसे अपनी आर्म के नीचे वो बुक को अच्छे से रख के वहां से निकल जाता है विसल करते हुए. मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम. अब उसका एक क्लासरूम जो उसके घर में ही बना हुआ है वहां पर मार्गी चली जाती है. वेरी सैड एंड स्टिल वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट दोज फनी स्कूल्स. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसके बेडरूम के बिल्कुल नेक्स्ट रूम ही उसका स्कूल रूम है. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन. मैकेनिकल टीचर जो है वो विजिबल है, वो तो दिखाई दे रही है. एंड वेटिंग फॉर हर, और बच्चे का वेट कर रही है, मार्गी का वेट हो रहा है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे एंड संडे उनकी छुट्टी होती है, बाकी टाइम वो इसी टाइम हमेशा विजिबल हो जाती है. नेक्स्ट, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि मार्गी की मदर के हिसाब से अगर जो छोटी गर्ल्स हैं वो सेम टाइम पर ही रोज पढ़े, रेगुलर टाइम्स पर ही पढ़े, तो वो ज्यादा बेटर सीखती है. द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन बिल्कुल लिट अप हो गई है, जगमगा रही है. एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो ये वाला जो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का जो लेसन है वो किस चीज के ऊपर है? प्रॉपर फ्रैक्शंस को एड करने के ऊपर. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. उस स्लॉट में अपना कल का होमवर्क फीड कर दो. जैसे हम टीचर जो है आपसे पिछला होमवर्क जो है वो सबमिट करने को बोलते हैं नोटबुक्स, उसी तरीके से ये प्रॉपर स्लॉट में उसको फिल करने के लिए, फीड करने के लिए बता रहे हैं. मार्गी डिड सो विद अ साई. बहुत ही अनमने मन से, बहुत ही उदास मन से वो अपना होमवर्क जो है वो कल वाला प्रॉपर स्लॉट में फीड कर देती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. वो अभी भी बच्चा जो है वो छोटे स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रहा है. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. और वो तब थे जब दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे. कितने अच्छे स्कूलों में वो जाते थे. All the kids from the whole neighborhood came. सारे बच्चे आस पड़ोस के एक साथ वहां पर आ जाते थे. Laughing and shouting in the schoolyard. हंसते खिलखिलाते चीखते चिल्लाते हुए वो schoolyard, स्कूल के ग्राउंड में पहुंचते थे. Sitting together in the schoolroom. स्कूल रूम में बैठते थे साथ में. Going home together at the end of the day. और एक साथ ही सब छुट्टी होने पर अपने घर इकट्ठे होकर जाते थे. They learned the same things. सब एक साथ एक ही चीज पढ़ते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एक क्लास में 30 या 35 स्टूडेंट्स एक ही चीज पढ़ेंगे तो कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होता है जिसको कोई चीज ना समझ आई हो. तो जब ज्यादा बच्चे हमारे साथ होंगे तो हम उनसे कुछ भी अपना डाउट क्लियर भी कर पाएंगे, अपना होमवर्क भी पूछ पाएंगे, डिस्कस भी कर पाएंगे, और हमें पढ़ने का मन भी करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, है कि नहीं? एंड टॉक अबाउट इट. और हम जो भी हमें समझना आए हम उसके बारे में उनसे बात कर सकते हैं. एंड द टीचर्स वर पीपल. सबसे अच्छी बात है कि ह्यूमन बींग्स हमारे टीचर्स हैं. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. अ मैकेनिकल टीचर वापस से अपना स्क्रीन के ऊपर उससे पूछती है मार्गी से, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2. एंड मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मार्गी सोचती है कि कितना मजा आता होगा लोगों को, उन बच्चों को, पुराने जमाने में उस तरीके से बेंचेस के ऊपर पढ़ने में, साथ आने में और साथ स्कूल से जाने में. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. उनको कितना मजा आता होगा, जो फन उन्हें मिलता होगा उसके बारे में मार्गी सोच रहे. सो दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर द फन दे ऐड. इट इज रिटन बाय इसाक एसिमोव.